अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप लोग की दुआ की वजह से हम लोग ठीक हैं और इंशाल्लाह आप लोग भी ठीक होंगे। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 7:30 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, रेडी कर रही हूँ यहाँ पे मैं। तो यहाँ आज मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी, जो कि ड्राई सब्ज़ी है। और आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे बताइएगा। जितनी अच्छी दिखने में लग रही है उतनी अच्छी खाने में भी लगती है। तो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कॉमेंट में। तो मेरी सब्ज़ी लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं बनाऊंगी रोटी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी। सुबह के टाइम में बहुत काम रहते हैं किचन में, जैसा कि आप लोग जानती हैं। तो फटाफट से मैं पहले रोटी बना लूँगी, उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी चाय। पहले नाश्ता हो जाए फिर मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि मुझे चाय की आदत है। आप लोगों को भी आदत है क्या? क्योंकि मुझे तो आदत है नाश्ते के बाद थोड़े से चाय पीने की। तो अभी मैंने नाश्ता कर लिया है, चाय भी पी लिया है और अब मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से मुझे लंच के लिए भी रेडी करना है। तो बस ऐसे ही मेरा मन किया कि मैं तैयार होकर थोड़ा सेल्फी वगैरह लूँ। तो अभी मैं रेडी हुई थी ब्लैक ड्रेस में। तो बताइएगा कमेंट में आपको कैसा लग रहा है ये ड्रेस मेरा। और फिर मैं अभी इसमें थोड़ा सा कुछ सेल्फी लिया मैंने, और उसके बाद फिर मैं सोचा चलो ठीक है थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ आज का दिन। तो अभी सबसे पहले ना मुझे लंच बनाना है। तो लंच के लिए मैं यहाँ पे मैंने चावल और दाल तो मैंने बना के रख लिया है पहले ही, बस मुझे चिकन बनाना है। तो चिकन की बस तैयारी करनी है मुझे, कि मैं सोच रही हूँ कौन सा चिकन बनाऊँ। तो चिकन में भी जो बहुत सारे चिकन बनाती हूँ ना, तो अलग अलग टाइप से, तो मैं सोच रही हूँ कौन सा बनाऊँ। तो मेरा दिल कर रहा था कि कुछ नया ट्राई करूँ, तो आज मैं कुछ नया ट्राई कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने बनाया चिकन, तो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये इसकी रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इसकी रेसिपी अगर अच्छी लगी तो। तो मैं फटाफट से बना रही हूँ यहाँ पे चिकन, और यहाँ पे मैं फटाफट से चिकन बना लूँगी। उसके बाद मैं जब मैं टेस्ट कर लूँगी ना, तो मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी अगर अच्छी लगी तो। तो वैसे अच्छी ही बन रही होगी, पर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, जब मैंने टेस्ट किया तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इंशाल्लाह मैं इसकी रेसिपी जल्दी ही शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बस ऐसे ही मैंने बना दिया नए तरीके से। तो देखने में कैसा लग रहा है ये चिकन आप ज़रूर बताइएगा। इसमें ना मैंने दही बहुत ज़्यादा ही डाला है, पर इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत अलग टाइप से मैंने बनाया है इसके चिकन को। तो इसका मैं क्या नाम दूँ मुझे क्या पता, मैंने अभी अपने हिसाब से मैंने बनाया, आप लोग ही कुछ नाम दे दीजिएगा। तो खैर अभी चिकन बन कर रेडी हो गया है और दाल चावल भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, मतलब बना लिया है पहले ही। तो अभी ना फट से अमान का भी टाइम हो गया है, मतलब उसे भी मुझे रेडी करना था। तो क्या है ना कि खेलने के बाद ना बाबू अमान को बहुत मतलब बार बार रेडी करना पड़ता है थोड़ा, कभी कुछ कुछ खाने को दो तो वो गिरा लेता है। तो बार बार समझिए कि उसको बार बार चेंज करना ही पड़ता रहता है। और अभी देखिए मेरी हालत हो गई है ख़राब। अभी मैंने लिया है मेडिसिन क्योंकि मुझे फ़ीवर आ गया है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको पहले व्लॉग में कि मेरी तबीयत अभी कुछ दिन से ठीक नहीं है। फिर अभी थकान भी हो गई है, गर्मी भी बहुत लग रही, तो मैं जा रही हूँ पहले नहाने के लिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अभी नहाने से ना थोड़ा मुझे अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है। तो सबसे पहले मैं नहा कर फ्रेश हो जाऊँ, उसके बाद फिर लंच का टाइम हो जाएगा। तो तब तक मैं देखती हूँ, मैं अमान भी अभी सो गया है थोड़ी देर के लिए, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी से अपना सब काम निपटा लूँ। घर के सारे काम लगभग हो गए हैं, तो सबसे पहले मैं जाऊँगी, पहले फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। और इंशाल्लाह मैं आगे का भी आपको दिखाऊँगी कि मैं अभी क्या क्या करूँगी काम घर पर। तो अभी मैं फ्रेश हो गई थी और सब मतलब 4:30 बज गया है लगभग, और अमान भी खेल रहा है। तो मैं सोच रही हूँ चलो ठीक है अब जल्दी जल्दी से सारे काम जो कुछ भी पड़े होंगे वो कर लूँगी। पर थोड़ा सा शाम हो गया है तो थोड़ा सा घूमना तो बनता है, मतलब घूमना बनता है क्या, थोड़ा सा मुझे दिल कर रहा है कि मैं थोड़ा नीचे जाऊँ और अपने अमान को थोड़ा सा लेके जाती हूँ शाम में घुमाने के लिए। तो नीचे ही मैं इसे घुमा के ले आऊँगी। और ये देखिए यहाँ का व्यू कितना अच्छा लग रहा है, पता नहीं बरसात के टाइम में ऐसे ही हो जाता है, बहुत सारा यहाँ पे फूल लगा हुआ है, मतलब लगा हुआ है नहीं ये खुद से ही निकला है। और कैसा लग रहा है आप लोगों को ज़रूर बताइएगा।
अच्छा, हम लोग ना यहाँ पे गवर्नमेंट गवर्नमेंट की तरफ से जो मिला हुआ फ्लैट है ना, हम लोग उसी में रहते हैं, तो इसी में हम लोग हैं, तो यही यही का ये व्यूज़ है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फिर नीचे से मैं आ गई, तो मुझे लगा कि रात में मुझे मसाला रेडी करना था, तो उसके लिए मैं अभी से ही सारा रेडी कर लूँगी तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने ज़ीरा को पीस लिया। क्या है ना कि मैं घर में ही मसाले बनाती हूँ, जैसे कि ज़ीरा का पाउडर घर पे, और मुझे घर का ही पसंद है, और काली मिर्च को भी, जैसे यह है ना, मैंने इसे भी, मैं इसका पाउडर बना लूँगी फट से, और धनिए का पाउडर, बस हल्दी पाउडर मार्केट से आता है पाउडर जो बना हुआ रहता है, और लाल मिर्च हो गया, और वो कश्मीरी लाल मिर्च, ये सब बाहर से आता है, बाकी सब मैं ना घर पे इसका पाउडर बनाती हूँ। तो देखिए ये धनिया का पैकेट है, अभी मैं इसे निकाल कर अच्छे से पहले ना धनिया में ध्यान देती हूँ मैं। अगर आप लोग भी बनाना चाहें तो धनिया को ना पहले ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा कढ़ाई में, एकदम लो फ्लेम पे। लो फ्लेम पे ड्राई ड्राई रोस्ट करने के बाद, उसे ठंडा होने के बाद, फिर आप इसे पाउडर बना के रख लीजिए, और एक बार आप घर पे मेरे बताए हुए तरीके से बना के देखिए, इतनी अच्छी खुशबू आएगी ना, वो आपके जो पैकेट वाले मसाले आते हैं ना बाहर से, धनिया और गोल मिर्च और ज़ीरा जो भी है, तो वो सब आपको खुशबू बिल्कुल भी नहीं आएगा जो आप घर पे बना हुआ आएगा। तो एक बार आप ट्राई कीजिएगा घर पे, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर बनाइए, मैं तो घर पे ही बनाती हूँ। तो ये सारे धनिया को मैंने रोस्ट कर लिया है यहाँ पे, और ये ठंडा होने के लिए मैं इसे छोड़ दूँगी, उसके बाद फिर मैं इसका बनाऊँगी पाउडर, उस इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, मैं क्या बताऊँ। तो एक बार ना आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने ट्राई किया तो। तो अब यहाँ पे ना, अब रात का टाइम हो गया, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू और शिमला मिर्च की फिर से सब्ज़ी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे बनाऊँ, तो सुबह मैंने दूसरी सब्ज़ी बनाई थी वो अलग टाइप से थी, अभी मैं दूसरे टाइप से बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डाल रही हूँ तेल, और तेल गर्म होने पे मैंने डाला यहाँ पे प्याज बारीक कटा हुआ, और हरी मिर्च और तेज़पत्ता, इसे मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी। आज क्या हुआ ना कि दोपहर में बना था चिकन, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मैं अब सब्ज़ी बना लूँ, क्योंकि मुझे ना दो टाइम चिकन खाना पसंद नहीं है, तो मैं अपने लिए सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। तो यहाँ पे जब तेल और जब ये प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगा, तो प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने लहसुन भी डाल दिया है साथ साथ, और उसके बाद फिर मैं इसे फ्राई कर लूँगी सबसे पहले। तो ये हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है, और अब इसमें जाएगा थोड़ा सा हल्दी का पाउडर। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा नमक, और नमक उसके बाद फिर अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, और 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा चाट मसाला, और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मसाले को पहले अच्छे से मैं भून लूँगी, थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी इसे। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पानी, बस इसे मिक्स कर लेना है। बस सिंपल तरीके से बना रही हूँ मैं इसे। अब भी मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है जैसा कि आप देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 3 हरी मिर्च, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी में। तो ऐसे ही मैं इसे अच्छे से धो के मैंने डाल दिया इसमें, आप चाहे तो काट भी सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा 1/2 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर, और अब जाएगा इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छा टेस्ट मिलता है सब्ज़ी में। तो मैं इसे अच्छे से डाल के उसे फिर से भून लूँगी, और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है, और ये मसाला भी हमारा अच्छे से भुन चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून अमचूर पाउडर, ये बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देता है सब्ज़ी में। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया अमचूर पाउडर। और अब यहाँ पे मैंने डाल दिया आलू और शिमला मिर्च, जिसको मैंने पहले ही फ्राई करके रखा था, तो अब इसे अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी इसमें।
वैसे मैंने सुबह भी आलू शिमला मिर्च बनाया था, वो अलग टेस्ट था उसका, वो मैंने अलग तरीके से बनाया था, और ये सब्ज़ी मैंने अलग तरीके से बनाया है। तो वो जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों सब्ज़ी में बहुत डिफरेंस है, पर पता नहीं क्यों मुझे तो अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगता है तो मैंने बना लिया। और मैं यहाँ पे बनाऊंगी साथ में रोटी, तो मेरा डिनर भी कंप्लीट हो गया है। और आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अब अमान भी परेशान करने लगा, तो मुझे लगता है कि मुझे अपना व्लॉग आज के लिए इतना ही करना पड़ेगा। मतलब अब फिर मैं आपसे मिलूँगी अगले व्लॉग में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। और आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।